हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ़ द समरी ऑफ द एसे ऑन स्पेलिंग रिटन बाय हिलेरी बेलक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने इससे पहले जो समरी बताई थी इसका फर्स्ट पार्ट मैंने दिया था आप लोगों को और आज मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको समझा रहा हूँ ठीक है तो देखें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था ही बुड डू सो विद क्लैरिक ठीक है अब आगे देखते हैं राइटर कह रहा है स्पेलिंग डिसअप्रूव्स ऑफ सॉलिड इविल्स पर्टिकुलरली प्राइड ठीक है राइटर कह रहा है कि जो स्पेलिंग होती है वो क्या करती है कि अनुमोदन नहीं करती है डिसअप्रूवल में डिसअ्रोच मींस अनुमोदन न करना मीन्स किसी की बात को सह से सहमत ना होना आप सॉलिड ईविल्स बिल्कुल ठोस प्रकार की बुराइयाँ पर्टिकुलरली प्राइवेट विशेष रूप से क्या होता है गर्व या घमंड यानी कि देखा जाए तो स्पेलिंग जो है वो लोगों के अंदर एक घमंड पैदा करती है राइट देयर आर मैनी पीपल हु इन ऑर्डर टू शो देम सेल्फ बिलोंगिंग टू हायर रैंक कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन आर्टोमीस जिससे कि वो शो मीस दिखाएँ देम सेल मीन स्वयं को बिलोंगिंग टू हायर रैंक कि वो उच्च रैंक से संबंधित हैं हैंड एन एक्स्ट्रा ई अननेसेसरीली इन द एंड ऑफ दियर नेम्स वो क्या करते हैं कि अपने आप को उच्च वर्ग का दिखाने के लिए अपने नाम के आगे अनावश्यक रूप से क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा ई एड कर देते हैं अपने नाम के लास्ट में ठीक है तो नाम के लास्ट में ऐड करने जैसे नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है किशोर है तो के आई एस एच ओ आर से किशोर बन जाएगा लेकिन मोस्टली लोगों को लिखते हुए कैसे देखा है के आई एस एच ओ आर ई ठीक है उसमें ई लगा दिया एक्स्ट्रा तो हालांकि किशोर वो भी होगा लेकिन के आई एस एच ओ आर भी किशोर हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाने के लिए अपनी रैंक को ऊंचा उठा करके ख़ुद को दिखाने के लिए वो अपने नाम के लिए एक्स्ट्रा ई जोड़ देते हैं ठीक है राइटर कह रहा है द अदर नोज अदर मीन्स दूसरा यानी लेखक जो है लेखक अपने लिए भी कह रहा है बाकी जो और भी दूसरे लोग हैं वो जानते हैं लेखक कह रहा है कि एक कि मैं जानता हूँ एक ऐसे आदमी को हुज़ फादर मिस स्प्लेट द नेम ऑफ हिज टी विलेज कि जिसका फादर यानी कि कोई ऐसा फादर होगा कि वो स्पेलिंग को गलत लिखता होगा किसकी अपने कह सकते हैं टीचलर में मालिक भी होता है ठीक है या उपाधिधारी भी कह सकते हैं अपने गांव का नाम इन ऑर्डर टू शो हिज फैमिली रैंक विद मेडिवल टाइम्स ताकि वो अपने परिवार का टिंक मतलब सम्मान कह सकते हैं वैसे टिंक जो है एक आवाज़ से होता है इसका मतलब होता है ऊंची आवाज़ ठीक है हाई साउंड होता है टिंक बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च सम्मान कि अपने परिवार का सम्मान किसके साथ जोड़ने के लिए मेडिवल टाइम्स में मध्य युग के समय से अपने परिवार का सम्मान जोड़ने के लिए वो क्या करता है अपने गांव का जो आ, उसके गांव का जो नाम है उसको वो थोड़ा दूसरे ढंग से गलत स्पेलिंग के साथ में बुलाता है ऐसे इंसान को लेखक जानता है राइट देयर आर सम पीपल हु इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग कैपिटल ऑफ कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बजाय कैपिटल यफ़ का प्रयोग करने के इन द बिगनिंग ऑफ दियर सर नेम्स अपने सर नेम की शुरुआत में ठीक है कि क्या करते हैं यूज़ इस्माल यफ़ डबल इस्माल एफ़ का यूज़ कर लेते हैं ठीक है यानी कोई ख़ास ऐसा रूल नहीं है मतलब कह ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए क्या करते हैं कि अपने सरनेम के स्टार्टिंग में कैपिटल एफ़ का यूज नहीं करें। करेंगे बल्कि क्या कर देंगे स्मॉल डबल एफ़ का यूज वो कर देते हैं ओके दे आर फूल्स राइटर कह रहा है कि ऐसे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ होते हैं मूर्ख होते हैं सॉरी देर आर सम अदर पीपल कुछ ऐसे लोग भी हैं हु हैव ऑर्डिनरी नेम्स जिनके नाम बड़े सामान्य से होते हैं साधारण से नाम होते हैं बट इन इंग्लिश लेकिन इंग्लिश में दे री स्पेल भी क्या करते हैं कि वो दोबारा से स्पेलिंग लिखते हैं यानी कि वे क्या करते हैं कि दोबारा से उसका उच्चारण कर देते हैं यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम बड़े सामान्य होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं अपने नेम्स को वो दोबारा से उच्चारण कर देते हैं अपने नेम्स का ताकि उनके नेम्स में थोड़ी सी अच्छाई दिख जाए ठीक है तो वो री स्पेल कर देते हैं अपने नेम्स को आगे लिखा भी है री स्पेल देअर नेम्स अपने नेम्स को री स्पेल कर देते हैं राइट बट इफ़ देयर नेम्स आर ऑफ द नावलर काइंड लेकिन अगर उनका उनके नाम जो है अधिक अच्छे प्रकार के होते हैं ठीक है मतलब अगर ख़राब प्रकार के हो तो उनको वो दोबारा से स्पेलिंग बोल देते हैं जिससे कि लगता है कि उनके नाम अच्छे हो गए हैं और अगर उन लोगों के नाम जो है वो थोड़े से खर, अच्छे टाइप के पहले से ही होते हैं ठीक है दे विल टर्न देम मीन्स टर्न देम फ्रॉम प्लेन इंग्लिस इंटू समथिंग फ्रेंच फील्ड और तब भी क्या करते हैं कि अपने नामों को टर्न कर देते हैं कहाँ से प्लेन इंग्लिश से किस में समथिंग फ्रेंचीफाइड थोड़ा सा उसको फ्रेंचीफाई कर देते हैं मीन्स थोड़ा सा फ्रेंच भाषा का यूज करके अपने नाम को बोलते हैं मीन्स जिनका नाम खराब हैं वो इंग्लिश में ही दोबारा से बोल देते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके थोड़ा सा दूसरे टाइप से उच्चारण कर देते हैं ताकि उनके नाम सुनने में अच्छे लगने लगे और जिनका नाम ऑलरेडी अच्छे होते हैं वो और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय वो फ़्रेंची फ्राई कर देते हैं अपने नाम को थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा ट्विस्ट ला देते हैं ओके दो दे मे बी ऑर्डनरी पीपल हालांकि वो सामान्य लोग हो सकते हैं दे डू सो बे ऐसा इसलिए करते हैं टू शो दिखाने के लिए एजिफ मिनस मानो दे हैड बीन द डिसेंडेंट्स ऑफ सम कि वे वंशज हैं किसी न किसी बैरौन का मतलब यहाँ पर है नवाब नवाब के वंशज हैं आप द नाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं शताब्दी के ठीक है कि वो हालांकि उनके नाम अच्छे होते हैं सामान्य हों चाहे अच्छे हों या ख़राब हों लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो उन्नीसवीं शताब्दी के नवाब लोगों के वंशज हैं ठीक है दस इस प्रकार इफ समस्टर हैड फिश फेस ये भी एक मजाक वाली बात ही है कि मान लो कोई ऐसा है जिसके पूर्वजों का चेहरा मछली के चेहरे जैसा है ठीक है हालांकि ये संभव तो नहीं है लेकिन मान लो अगर किसी का किसी की बनावट मछली के चेहरे की जैसे है किसी के पूर्वज की तो ही वाज कार्ल रॉच तो उसे रॉच कहा जा सकता है ठीक है रॉच रॉच क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बता दूँ रॉच जो है एक प्रकार की मछली ही होती है ठीक है रोज जो है एक प्रकार की मछली होती है तो चूँकि मछली के आकार का उसके पूर्वजों का चेहरा है इसलिए उसको रोज कह दिया जाता होगा एंड ही डिसेंडेंट्स और उसके जो वंशज हैं जिनके जिसका चेहरा मछली के आकार का था उसके वंश के लोग काल देम स्वयं को क्या कहते थे डीला रैची यानी ये फ्रें थोड़ा सा उन्होंने और ट्विस्ट दे दिया इसको थोड़ा सा और अच्छा करके नाम को दिखा दिया कि हम इस फैमिली के हैं ठीक है इन द सेम बे ठीक इसी प्रकार से इफ़ समस्टर हैड एल्लो कॉम्प्लेक्सन लाइक दैट ऑफ लेमन कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पूर्वज हैं उनका कॉम्प्लेक्सन मीन्स उसका जो रंग रूप है वो येलो कलर का है जैसे कि लेमन नींबू होता है ठीक है ही कॉल्स हिमसेल्फ सेल्फ येल लेमन ठीक है तो वो अपने आप को कह सकता है क्या यल लेमन यानी कि लेमन देखा जाए तो लेमन इसमें एच बढ़ा दिया ये लेमन यानी ये कि लेमन कह खुद को कह दिया यानी ये कि येलो कलर का चेहरा है येलो कलर का, का रंग रूप है तो उसका मतलब उसको लेमन से कंपेयर करके उसे एक नया नाम दे दिया और राइटर कह रहा है विच इज़ रेडूकुलस जो कि पूरी तरीके से हास्यास्पद है ठीक है इस पर कि मजाक जिसकी उड़ाई जा सकती है कि रंग रूप जैसा नाम ले लिया राइट नेक्स्ट है सच टाइप ऑफ पीपल टेल अ लाई अबाउट डैम सेल्फ इस प्रकार के लोग अपने बारे में झूठ बोलते हैं एंड कंसिडर देम सेल्फ ईदर द डिस ऑफ और समझते हैं अपने आप को डिसेंडेंट्स मीन्स बंसज ऑफ हीगनोट्स हीग्नोट्स जो है देखा जाए तो फ़्रांसीसी प्रोटेस्टेंट थे यानी फ्रांस में प्रोटे, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के लिए कहा गया है फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट का अपने आप को बंसज मानते थे वो और दे लिंक देम सेल्फ विद चैनल आइसलैंड या फिर वो अपने आप का लिंक दिखाते थे कि हमारा संबंध किससे है चैनल दीप समूह से है राइट right? आगे बढ़ते हैं राइटर कह रहा है ऑल दीज थिंग्स रिमाइंड द ऑथर ऑफ द श्यूरेस्ट वे ऑफ इंसल्टिंग अन विदाउट एनी रिस्क लेखा करा ये सभी चीज़ें कि जो नाम को लेकर के बातें हैं स्पेलिंग को लेकर के बातें हैं ये सभी बातें ऐसी हैं जो लेखक को क्या आयत दिलाती हैं सबसे श्योर रास्ता किस बात का ऑफ इंसल्टिंग अन किसी व्यक्ति की इंसल्ट करने का विदाउट एनी रिस्क बिना किसी खतरे के यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति का इंसल्ट करना चाहें तो उसके नाम को हम गलत स्पेलिंग में ले दें तो लेखा करा सबसे श्योर रास्ता है उसकी इंसल्ट करने का एंड दैट इज़ टू मिस स्पेल हीज़ नेम और वो तरीका क्या है कि हम उसकी स्पेलिंग उसकी नाम की स्पेलिंग ही मिस गलत कर दें राइट इट इज़ सो ऐसा इसलिए है बिकॉज वेरी थिंक बहुत से लोग सोचते हैं दैट हिज नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि उसका नाम संपूर्ण संसार में संसार के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर मतलब हर व्यक्ति अपने नाम को अच्छा समझता है कि मेरा नाम जो है संसार में इम्पॉर्टेंट है या फिर इज़ नोन इन द वर्ल्ड या फिर उसे संसार में जाना जाता है और इट डिज़र्व टू बी नोन इन द होल वर्ल्ड या फिर उसका नाम इस लायक है कि उसे सारे संसार में जाना जा जाना जाना चाहिए ठीक है तो मीन्स हर व्यक्ति को अपने नाम से प्रेम होता है तो अगर लेखक कह रहा है हम किसी की इंसल्ट करना चाहें तो सबसे श्योर तरीका क्या है उसके नाम की स्पेलिंग गलत कर दें उससे उसकी इंसल्ट भी हो जाएगी इट इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ एरोगेंस लेखक कह रहा है ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका अहंकार का एरोगेंस मीन्स अहंकार के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अहंकार का कि व्यक्ति को अपने नाम पे घमंड होता है तो अगर उसके नाम की स्पेलिंग हम गलत कर देंगे उसका जनरल सी बात उसका अहंकार टूटेगा वेन पीपल बिलोंगिंग टू हायर एंड नोबेलर रैंक कि जब ऐसे लोग जो बिलोंग करते हैं उच्च और योग्य पद से और राजा महाराजा जो हैं वो भी स्पेल दियर नेम डिफरेंटली अपने नाम की स्पेलिंग डिफरेंट करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलते हैं वाई शूट ऑर्डनरी पीपल लेग बिहैंडम तो लेखक कह रहा है फिर सामान्य लोग पीछे क्यों रहें लेग बिहैंड अपना कदम पीछे हटाना कि जब राजा महाराजा अमीर लोग बड़े लोग उच्च लोग योग्य लोग अपने नाम की स्पेलिंग डिफरेंट करते हैं तो सामान्य लोग अपने नाम की स्पेलिंग डिफरेंट क्यों ना करें वो क्यों पीछे जाएँ क्यों पीछे रह जाएं राइट एंड लास्ट पैराग्राफ इसका है हैन्स इस प्रकार राइटर कह रहा है स्पेल अकॉर्डिंग टू तो योर स्वीट बिल ऑथर इज प्रिपेयर टू तो गिव आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यू यानी अब लेखक ने फाइनली हमें क्या बताया है कि देखो जो भी स्पेलिंग की बात हो स्पेलिंग सही लिखनी हो ना लिखनी हो लेखक तो हालांकि स्पेलिंग सही लिखने के पक्ष में है नहीं लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि कोई बात नहीं उसका निष्कर्ष ये निकाला है कि स्पेलिंग कैसे करो अकॉर्डिंग टू योर स्वीट बिल जैसी आपकी मधुर इच्छा हो जैसी आपकी इच्छा हो कि हम इस बात की इस शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे तो आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है द ऑथर इज़ प्रिपेयर लेखक तैयार है टू गिव आर आर्गूमेंट एक तथ्य देने के लिए इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यू अपने इस विचार के सपोर्ट में लेखक एक उदाहरण भी देना चाहता है एक तथ्य भी प्रस्तुत करना चाहता है इसके लिए लेखक तैयार है बट इफ लेकिन यदि वंस यू डू सो अगर तुम ऐसा करते हो ठीक है लेखक कह रहा है कि आ, देखा जाए तो चेतावनी एक हमें ये चेतावनी दी जाती है यहाँ पर वांस में तो थोड़ा सा चेतावनी देना ठीक है इफ़ यू डू सो तुम ऐसा करते हो यू विल आलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग वॉर तो तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर क्या है तुम्हें एक युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें हमेशा एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी विद प्रिंटर्स जो छापने वाले लोग हैं जो प्रकाशक हैं उनके साथ एंड दे आर अ क्लोज़ एंड पावरफुल कॉरपोरेशन और वे सबसे ज़्यादा क्लोज मीन्स संगठित और सबसे ज़्यादा पावरफुल मीन्स शक्तिशाली कॉरपोरेशंस हैं ठीक है संगठन है मतलब ये कहा जा सकता है कि सबसे घनिष्ठ सबसे शक्तिशाली जो संगठन हैं वो कौन लोग हैं जो प्रकाशक हैं जो छापने वाले लोग हैं राइटर कह रहा है अगर तुम लोग कभी भी अपने मन से अपनी स्पेलिंग बना करके लिखते हो जैसा कि लिखित में नहीं हमारे सामने हैं तो सामान्य रूप से हमेशा ज़िंदगी भर हमें उन प्रकाशक लोगों से झगड़ते ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी सिंपल स्पेलिंग बताएंगे जैसे कि लिखित में होती है और हम अपनी स्पेलिंग बताएंगे तो प्रकाशक हमेशा हमसे उल्टे ही चलेंगे और हमेशा उन्हें लगेगा कि ये स्पेलिंग गलत लिख रहा है तो हमें इससे इसको सुधार करना चाहिए इसलिए हमारी और उनकी ज़िंदगी भर लड़ाई होती रहेगी ठीक है इसके लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है अगर स्पेलिंग अपने मन से अपने अपने हिसाब से कोई इंसान लिख रहा है ऑलरेडी बनी है वो नहीं लिख रहा है तो राइटर अपना एग्जाम्पल भी दे रहा है कह रहा है तो राइटर से लेखक कहता है दैट ही हैज़ बीन ट्राइंग विद आल हीज़ फर्मनेस कि उस वो कोशिश कर रहा है अपने पूरी मजबूती के साथ टू इस्टेब्लिश एन हिस्टोरियन ठीक है लेखक ने कहा कि मैं बड़ी मजबूती के साथ ये कोशिश कर रहा था स्थापित करने के लिए क्या बड़ी मजबूती के साथ कि हिस्टोरियन जो है हिस्टोरियन से पहले एन आना चाहिए एन हिस्टोरियन ठीक है देखिए ये आर्टिकल्स की बात है अगर हमने ग्रामर में आर्टिकल्स के रूल्स पढ़े हैं तो हिस्टोरियन देखो एक तो ये होता है कि जो वर्ड जिसमें यच साइलेंट होता है तो जिस वर्ड में यह साइलेंट होता है उससे पहले हम एन का ही यूज़ करते हैं जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन तो ऑनेस्ट में देखो तो यच पूरा पूरा साइलेंट है तो हमने आ, उसके जस्ट बाद में यच के जस्ट बाद में क्या आया है वॉबल आया है ओ तो हम जिसको जब बोलते हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं तो ऑनेस्ट निकलता है यश तो बिल्कुल निकलता नहीं है ठीक है तो उसके पहले एन तो लगता ही है लेकिन हिस्टोरियन ऐसा वर्ड है जिसमें कि हा तो है यच में हा तो हमारे बोलते समय हा तो निकलता है बट हा जो है वो बहुत ही इम्फेसाइज नहीं होता उस पर जोर नहीं दिया जाता है और आई जो है वो उसका ज़्यादा जो है दबाव इसमें आ जाता है ठीक है जैसे हिस्टोरियन तो देखो हाथ दब रहा है हिस्टोरियन हा कम निकल रहा है मुँह से तो ऐसे में डिस्प्यूट है कुछ लोगों का कहना यह है कि हिस्टोरियन से पहले एन आएगा कुछ का कहना है हिस्टोरियन से पहले अ आएगा तो लेखक कह रहा है कि मैं तो हिस्टोरियन से पहले एन लगाता हूँ कि हिस्टोरियन से पहले एन को स्थापित करना मैं समझता हूँ कि एन स्थापित मुझे करना है मैं इसको लेकर बिल्कुल फर्म हूँ ठीक है इंग्लिश में फॉर द लास्ट फोर्टी ईयर्स की पिछले चालीस सालों से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्टोरियन से पहले एन लगाना मैं स्थापित कर दूँ जैसा कि लेखक के लेखक को समझ में आता होगा ठीक है बट अ हिस्टोरियन इज स्टिल लेकिन अ हिस्टोरियन अब देखो लोग क्या कहते हैं हिस्टोरियन से पहले क्या लगा दिया आ उन्होंने एन का यूज नहीं किया लेकिन अ हिस्टोरियन इज स्टिल स्ट्रगलिंग लेकिन जो आ हिस्टोरियन है लेखक कह रहा है वो अब भी स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष कर रहा है हार्ड मीन्स बहुत ही कठोर अगेंस्ट इट इसके खिलाफ कि जो आ हिस्टोरियन है वो एन हिस्टोरियन के खिलाफ अब भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा है एंड इट इज़ स्टिल इन एग्जिस्टेंस और अब भी आ हिस्टोरियन ही अस्तित्व में है यानी कि अब भी आ हिस्टोरियन ही लोग मानते हैं जबकि लेखक चालीस साल से प्रयास कर रहा है एन हिस्टोरियन एन हिस्टोरियन लोग मान लें लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं प्रकाशक नहीं मान रहे हैं इसी प्रकार से लेखक कह रहा है कि अगर हम अपनी स्पेलिंग बनाएंगे तो जैसे चालीस साल से मैं प्रकाशकों से लड़ रहा हूँ एन हिस्टोरियन को लेकर के वैसे ही आप लोगों को भी प्रकाशकों से ज़िंदगी भर लड़ते रहना पड़ सकता है ओके लेकिन यहाँ पर चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो रहा है लेकिन इसमें आप फाइनली अगर हम बताएं तो राइटर का कहना क्या है राइटर जो ऑलरेडी बनी बनाए स्पेलिंग्स हैं उनके पक्ष में नहीं है वो ये कह रहा है कि स्पेलिंग्स पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है स्पेलिंग्स कोई विद्वान होने का होने का कोई थर्मामीटर नहीं है कि अगर हमने स्पेलिंग सही लिखी तो हम विद्वान हैं दूसरा गलत गलत लिख रहा है तो विद्वान नहीं है उसको कुछ नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं है बल्कि स्पेलिंग कोई मायने नहीं रखती है लेखक के हिसाब से और अपनी बात को समझा देना ही मायने रखता है राइट लेकिन अगर कोई स्पेलिंग गलत बोलता है जैसे कि ऑलरेडी सेट की गई हैं तो उसको हमेशा समाज के विरोधों का सामना तो करना पड़ ही सकता है ओके दो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेंस हैं उन एक्सप्लेंस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, मैंने नोट्स में भी आप लोगों को इन दो एक्सप्लेंस के बारे में नोट्स आपको दिए हैं आई माई सेल्फ राइट एज बन इमेंसिपेटेड राइटर कह रहा है कि मैं स्वयं राइट मीन्स लिखता हूँ एज बन इमेंसिपेटेड मीन्स एक इमेंसिपेटेड मीन्स होता है बिल्कुल मुक्त होकर के बिल्कुल फ्री होकर के ठीक है यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर के मैं इस बात को लिखता हूँ मीन्स लेखक ने पहले कहा है कि मैं स्पेलिंग को कोई महत्व तो नहीं देता हूँ और स्पेलिंग सही लिखने के फेवर में मैं तो नहीं हूँ ठीक है तो मैं फ्री होकर के अपनी बात को लिखता हूँ कह रहे हैं कि दैट वाज व्हेन सॉरी टाइम वाज व्हेन आई ट्रब ट्रेमबेल्ड एट द थॉट ऑफ अस स्पलेट वर्ड एंड अ ब्लंडर ऑफ माई ओन और द प्रिंटर्स वुड कीप मी अवेक एट नाइट कहना कि एक समय ऐसा था भेन मिस जब आई ट्रम्बेल्ड मैं कांप जाता था एट द थाट इस विचार को लेकर के ऑफ अ मिस स्पलेट कि मैंने स्पेलिंग को गलत कर दिया अगर ये विचार हमारे मन में आता था किसी शब्द की स्पेलिंग को गलत करने को लेकर के एंड अ ब्लेंडर और एक मैंने ब्लेंडर में सुधा है भारी गलती करना ऑफ माई ओन अपनी खुद की और द प्रिंटर्स या फिर जो प्रकाशक होता था वुड कीप मी अबेक एट नाइट प्रकाशक की गलती हो या फिर मेरी गलती हो स्पेलिंग को गलत करने का अगर विचार मेरे मन में आ भी जाता था राइटर कह रहा है तो ये चीज़ मुझे क्या करती थी सारी रात मुझे जगाती थी यानी मुझे नींद नहीं आती थी कि स्पेलिंग गलत कैसे हो गई है यानी कि लेखक करे कि एक समय हमारी लाइफ में भी ऐसा था कि मैं स्पेलिंग्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था कि स्पेलिंग्स को इम्पोर्टेंस देने के कारण मैं क्या करता था कि मैं मेरी नींद तक रात की उड़ जाती थी जब मैं देखता था कि मेरी स्पेलिंग गलत हो गई हो चाहे वो मेरे द्वारा हुई हो चाहे किसी प्रकाशक ने ही उसकी स्पेलिंग को गलत कर दिया हो राइट नाउ बट नाउ दैट आई हैिकोगग्नाइज इट लेकिन अब जबकि मैं इस बात को समझ चुका हूँ पहचान चुका हूँ इट फॉर द लीस्ट पार्ट ऑफ़ स्कॉलरशिप कि स्पेलिंग का बहुत ही कम लीस्ट मीन्स ना के बराबर पार्ट मीन्स एक हिस्सा है किससे स्कॉलरशिप मीन्स विद्वता से ठीक है कि जब मैं मेरी बात समझ में आ चुकी है कि जो स्पेलिंग्स हैं उनका विद्वान होने से कोई रिलेशन नहीं है कोई मतलब नहीं है जब मुझे मेरी बात समझ में आ चुकी है एंड इन डीड और वास्तव में हार्डली अ पार्ट ऑफ एट ऑल कि मुश्किल से ही यह विद्वान होने का एक पार्ट है ठीक है तब कह रहे हैं राइटर कि जब मेरी ये समझ में आ गया है इसलिए आई केयर फॉर द लेस देन आडियट कि तब मैं इसकी बहुत ही कम केयर करता हूँ बजाय एक ईडियट के यानी कि बेवकूफ़ इंसान वो कह रहा है कि वही केयर करेगा जो इंसान बेवकूफ़ होगा इसलिए मैं स्पेलिंग इस की के कोई केयर नहीं करता हूँ वाट एवर डेट में भी कि स्पेलिंग कुछ भी हो जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं बस हमारी बात समझ में लोगों को आनी चाहिए राइट तो पहला एक्सप्लेन हो गया इसमें राइटर ने क्या बताया है कि एक समय ऐसा था लेखक के जीवन में भी जब वो थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाने पर बहुत ही घबरा जाता था कांपने लगता था उसकी रात की नींद हराम हो जाती थी लेकिन जब उसने कुछ समय के बाद ये समझा कि स्पेलिंग तो बेकार की बात है विद्वान होने से इसका कोई संबंध नहीं है तब लेखक कह रहा है कि मैं इसकी बिल्कुल कम केयर करता हूँ और स्पेलिंग चाहे जो हो जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता है राइट अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेन नंबर टू कह रहे हैं अवर फादर्स हमारे जो पूर्वज थे हमारे पिता थे केयर्ड सो लिटिल फॉर द रेडिकुलस थिंग्स वो इतनी ज़्यादा कम चिंता करते थे इस हास्यास्पद वस्तु की हास्यास्पद वस्तु किसके लिए कहा गया है स्पेलिंग को पर ध्यान देने की स्पेलिंग के लिए टेंशन लेने की कि हमारे पूर्वज स्पेलिंग की टेंशन नहीं लेते थे और बहुत ही मतलब उस पर कम ध्यान दिया करते थे दैट दे डिड नॉट इवन स्पेल दियर ओन नेम्स कि उन्हें स्पेलिंग की इतनी भी परवाह नहीं थी कि वो अपने खुद के नाम की स्पेलिंग भी नहीं करते थे द सेम वे एक ही प्रकार से थ्रू आउट दियर लाइफ अपने जीवन भर यानी संपूर्ण जीवन भर उन्होंने क्या किया कि जो उनके नाम की स्पेलिंग थी वो भी उन्होंने एक जैसी नहीं लिखी यानी कि वो अपनी स्पेलिंग्स को हर बार अलग अलग कर दिया करते थे अपने नाम की स्पेलिंग को भी इसका मतलब कि वो बिल्कुल केयर नहीं करते थे कि उनकी स्पेलिंग हमेशा एक जैसी रहे उनके नाम की भी एंड एज़ फॉर कॉमन वर्ड्स और जैसा कि सामान्य शब्दों को लेकर के है दे सीम टू हैव हैड एन इंस्टिंक्ट कि ऐसा लगता है कि उनके, उनके अंदर एक इंस्टिंग था या इनके अंदर एक जन्मजात रुचि थी एक अंतर्मन था उनका बिच आई कैन नॉट बट अपलॉड जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन अपलॉड मिस होता है प्रशंसा करता हूँ फार एनोबलिंग का मीन्स होता है उदार बनाने के लिए दैम मीन्स उन्हें विद रिपीटेशन ऑफ लेटर्स लेटर्स को रिपीट करने के लिए एंड फ्लोरिस और उसको बढ़ाने के लिए उसको पोषण देने के उसको आगे उसकी प्रोग्रेस करवाने के लिए ठीक है तो राइटर कह रहा है यहाँ तक तो क्या इसका अर्थ हुआ है लेखक ने कहा है कि उन लोगों के अंदर जो शब्द थे जो उनके अंदर एक अंतर्मन था उनके अंदर एक जन्मजात रुचि थी किस बात को लेकर के स्पेलिंग को सही पर ध्यान ना देने की ये उनकी एक उनके अंदर एक रुचि थी देखा कह रहा है और कह रहा है कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ किस बात को लेकर के कि वो उदार बने रहे उनके प्रति और उन्होंने क्या क्या लेटर्स को रिपीट किया यानी लेटर्स को डबल किया और साथ में उनको आगे उन मतलब बढ़ाया भी फिर है विद द प्रेटिव ट्रिक ऑफ यूजिंग बाई उन्होंने सुंदर सी ट्रिक का प्रयोग किया कौन सी ट्रिक उन्होंने प्रयोग किया वाई का कहाँ पर फॉर एन आई आई के जहाँ पर उन्हें आई यूज़ करना चाहिए थे वहाँ उन्होंने वाई का यूज़ भी किया उनके पूर्वजों ने तो कह रहा है कि इसका मतलब सिंपल सा हो गया है कि जब वो आई की जगह पर वाई यूज़ कर लेते थे ठीक है और डबल डबलिंग कॉन्सोनेट्स और जो कॉन्सोनेट्स थे यानी जो व्यंजन थे उनको डबल भी यूज़ करते थे जैसे हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था वार का तो W ए आर वार में शुद्ध होता है ठीक है और रह, जो पूर्वज थे वो क्या करते W ए डबल आर ई एस वो डबल आर कर देते थे ठीक है तो ऐसे वो यूज़ करते थे तो जैसे हिम है तो एच आई एम होता है लेकिन वो क्या करते थे हिम में एच बाई एम कर देते थे ठीक है तो इस टाइप से जो वर्ड्स हैं उनका वो यूज़ करते थे ठीक तो राइटर कह रहा है कि वो बड़े ही उदार किस्म के लोग थे जो स्पेलिंग को लेकर के बड़े ही उदार थे और वो क्या करते थे अपने हिसाब से स्पेलिंग की उनकी ट्रिक थी चाहे वो आई की जगह वाई का यूज़ कर लेते थे चाहे वो डबल कॉन्सोनेंट का भी यूज़ कर सकते थे ठीक है तो एक्सप्लेन आपका ओवर से लेकर के और कॉन्सोनेंट्स तक ही है लेकिन ये पूरा पैराग्राफ मैं आप लोगों को पूरा समझा दे रहा हूँ इन जनरल दे वर आल फॉर फेस्टूनिंग एंड डेकोरेटिंग सामान्य रूप से अगर देखें तो वे सभी क्या थे वो सब जो भी काम करते थे किसके लिए करते थे फॉर फेस्टूनिंग कमिन्स होता है संवारने के लिए एंड डेकोरेटिंग और सजाने के लिए मतलब सब कुछ वो ऐसा इसलिए करते थे डबल कॉन्सोन का यूज करना है या फिर वाई आई की जगह वाई का यूज करना है सब कुछ वो किस लिए करते थे ताकि वो अपनी लिखने की स्टाइल को संवार सकें सजा सकें विच इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड नॉबल टेस्ट जो बहुत ही ईमानदारी से भरा और अच्छा टेस्ट उनके लिए है वेन दे सेड ऑफ अ मैन जब भी एक आदमी के बारे में कहते थे क्या कहते थे आई स्टीम कि मैं अनुमान लगाता हूँ हिम देखिए हिम मैंने अभी समझाया था यहाँ पर एच आई एम एच आई एम मीन उसके लिए है उन्होंने देखो आगे जगह पर क्या यूज़ कर लिया वाई हिम ठीक है ने ई का यूज़ कर दिया बल्कि यहाँ नो होना चाहिए hmm. नो अब देखिए मोर है तो यम डबल ओ आर ई कर दिया मोर बल्कि हम लोग क्या लिखते हैं यम ओ आर ई मोर ठीक है देन अ पिगी अब देखो पिगी पिगी जो है पी आई डबल जी बाई होता है पिगी मीन्स वही सुअर जो होता है इस पिगी तो पी आई होता है देखो उन्होंने यहाँ क्या यूज़ कर दिया बाई का यूज कर दिया तो कई ऐसी जगह यहाँ देखी गई हैं जहाँ पर वो बाई का की जगह आई करते थे डबल कॉन्सोनेट का यूज़ करते थे जैसे एक देखो हिम में बाई की जगह आई कर दिया है ठीक है ई की ओ की जगह ई कर दिया है डबल ओ कर दिया मोर की जगह पर पिगमी में पी आई का पी बाई कर दिया है पिगी का ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ आई एस्टीम हिम नो मोर देन अ पिगी कि मैं उसे सम्मान एक सुअर से ज़्यादा सम्मान नहीं देता हूँ तो सुअर को कौन सम्मान देता कोई नहीं देता है मीन सुअर को सम्मान देना अगर पूर्वजों ने ऐसा कहा कि मैं उसे सुअर से ज़्यादा सम्मान नहीं देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि वन नोज हर व्यक्ति जान जाता था जान जाता है वाट दे मीन्ट कि उनका अर्थ क्या है इस बात को कहने का एंड वन फील्स दियर वाइब्रेटिंग और हर व्यक्ति समझ जाता था कि उनकी नफरत जो है वो कैसी है मतलब कितनी नफरत है उनको कितनी नफरत उनके, उनके अंदर उस आदमी को लेकर के होगी जिसके लिए उन्होंने ये कहा है कि मैं उसे सुअर से ज़्यादा सम्मान नहीं देता ठीक है तो ये सेंटेंस यहाँ दिए दिखाता है कैस किस प्रकार से वो इंग्लिश की स्पेलिंग का यूज़ करते थे और स्पेलिंग का कोई महत्व तो वो स्पेलिंग को नहीं दिया करते थे हमारे पूर्वज ओके पुट इन टू द प्रजेंट स्टीरियोटाइप फ्रॉम इट वुड फार लेस इफेक्ट और इफ़ेक्ट ठीक है और वो रखते थे क्या वर्तमान में स्टीरोटाइप में होता है एक प्रकार की कोई एक जैसी वस्तु होती है फॉर्म इट इसको बनाते थे वुड फार यानी काफ़ी कम जैसे कि अफेक्ट या फिर इफ़ेक्ट अस से हमें ठीक है यानी वो हमारे सामने एक समान वस्तु जो है उसको ही वो क्या करते थे कि सिंपली वो बहुत ज़्यादा अलग प्रकार का ना दिखा करके सेम प्रकार का ही वो दिखाया करते थे राइट डियर स्टूडेंट्स तो ये आपका जो चैप्टर नंबर एलेवन था ऑन स्पेलिंग उसकी समरी मैंने कंप्लीट करवा दी है इसके दो एक्सप्लेन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको समझा दिए हैं और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर नंबर एलेवन कंप्लीट हो गया है एक्चुअली जो बुक थी बुक में वर्ड टू वर्ड मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि बहुत ही लंबा चैप्टर था और थोड़ा सा आप लोग पता है प्रोज जो है वो बोरिंग भी है तो इतना पढ़ाते तो आप लोग बोर भी हो जाते तो इसलिए मैंने उसकी समरी बता दी और जो टू मोस्ट इम्पॉटेंट एक्सप्लेन इस चैप्टर से बनते हैं उनको मैंने समझा दिया है उनके नोट्स मैंने आपको दे दिए ठीक है आप लोगों को अपनी नोट्स को कापी पर नाट नोट डाउन कर लेना है मैंने पहले से ही पी उसकी भेज दी है और अब इस चैप्टर के बाद में इसी चैप्टर के जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे पी के माध्यम से उन्हीं नोट्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये दो एक्सप्लेन जो समझाए हैं इन एक्सप्लेन की और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन सभी की हिंदी मैं आपको आगे ऑडियो के माध्यम से दूंगा, ठीक है तो ठीक है समझ आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा तथा आप लोग इसको पढ़ें और अगले ऑडियो का इंतज़ार करें तब तक मैं इसे आप लोगों को इससे अगल, क्वेश्चन अगले ऑडियो में समझाऊंगा ठीक है ओके थैंक यू गुड बाय